पेज नंबर 42। निकाल लिया सभी ने, यहां से पढ़ेंगे अपन। निश्चित समय पिता सुबीर दत्ते यानेन स्वदेशं प्राप्तवान्। निश्चिते निश्चित समय, समय पर, निश्चित समय पर पिता सुबीर दत्त, पिता का नाम क्या था? सुबीर दत्त। यानेन वाहन से स्वदेशं, अपने देश को प्राप्तवान् आया। निश्चित समय पर ही पिता सुबीर दत्त वाहन से अपने देश को आया। पानी करने के बाद क्या निश्चित समय पर पिता सुबीर दत्त वाहन से अपने देश को आया। विजय दत्त सुवर्णा से जनन्या से विमान स्थान के पितु प्रतीक्षां कुर्वन्तु आस्ताम्। विजय दत्त विजय दत्त, सुवर्णा सुवर्णा से माने और जनन्या माता के से सा विमान स्थान कहते हैं एयरपोर्ट पर। किस वहां पर? विमान पर। पितु पिता का प्रतीक्षा इंतजार परंतु वास्तव कर रहे थे। देखो साहब, विजयदत्त और उसकी बहन सुवर्णा अपनी माता के साथ उसी एयरपोर्ट पर यानी उस विमान स्थल पर पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। पिता पिता को विलो के देख करके तो वे दोनों मेहता आहार आनंदीन आधापा आनंदीन आनंद के साथ आधापा बोले। पिता को देख करके वे दोनों कौन? विजयदत्त और उसकी बहन सुवर्णा। वे दोनों आनंद से उसके पास दौड़े। किसके पास दौड़े? उस सुबीर दत्त की ओर दौड़े। देखे साहब, पुत्र प्रेमण अभिभूत पिता तो बहुभ्यां काव्य आलिंगितवान। पुत्र माने पुत्र को प्रेमणा प्रेम से अभिभूत प्रसन्न होकर पिता पिता ने तब उन दोनों को सुवर्णा और विजय दत्त को आनंदे आनंद से सॉरी तब माने उन दोनों को भाव क्या भाव से प्यार कथा करके आलिंगन गले से लगा लिया। पुत्र को प्रेम से प्रसन्न होकर पिता ने उन दोनों को अपनी बाहों में उठाकर अपने गले से लगा लिया। सुशीला स्मृति स्वयंपति अभिनंदित पति सुशीला माने सुशीला अभी माने भी स्मृति आश्चर्य रूप से स्वयंपति अपने पति का अभिनंदन पति अभिनंदन करती है। सुशीला भी आश्चर्य रूप से अपने पति का अभिनंदन करती है। क्या करती है? अभिनंदन करती है। हाँ जी, तथे इसके बाद प्रेमा ने ऐसा सर्वे सभी कार्यानि काल से ग्राम धरतियों ग्राम प्रति धरतियों आरोपते आते। इसके बाद वे सभी इसके बाद ये सभी काल से अपनी धरती को आते हैं। रात्रि काले नव बादली रात्रि काल माने रात के नवे माने नौ बजे बादली बजे नौ बजे नवे बादली नौ बजे ते माने ये सब जने लोगों के सेवन साथ मिलता मिलकर के होलिकाया होलिका दहनम प्रतिबंध है दहन किया। रात्रि के नौ बजे ये सब लोगों के साथ मिलकर के होलिका दहन का कार्य किया।
जतिय जब से सारा वर्ण छोड़े अंदर का प्रत्व अपर सम पे भावना है तत्वता जतिय जब से अगले दिन जना हमारे लोगों को वर्ण छोड़े कहते वर्ण का धर्म छोड़ना लोगों का जो छोड़ होता है कहते गुलाम क्या कहते हैं गुलाम। दूसरे दिन लोगों को गुलाल का तिलक लगा गुलाल से तिलक लगा करके आपस में प्रेम भावना से एक दूसरे का गले से मिलकर के आराम करने से आनंद करते हैं। दूसरे दिन लोगों को गुलाल का तिलक लगा करके आपस में प्रेम भाव से एक दूसरे को गले से लगाते हैं अर्थात आनंद करते हैं। बाल का वर्ण जलय क्रीड़ा मोरवत परस्परम प्रतिशिपन्ति इसमें बाल का माने बाला वर्ण जलय यानी रंग जल में रंग भर करके जलय होता है जल में रंग मिला करके रंगीन जल हो जाता नहीं हो जाता है क्रीड़ा मोरवत करते बालक यानी जल में रंग डाल करके क्रीड़ा करते खेलते कैसे परस्परम प्रतिशिपन्ति एक दूसरे के ऊपर डालते एक दूसरे के ऊपर रंग को डालते केचर गायते कुछ गाते संपूर्ण दिन समयापित होता है पूरा दिन इसी प्रकार बीत जाता है। ठीक है सर। रात्रौ सुवीर दत्त सैग्रे बंधु भी से चाय पिबा अकत्य दूर का मां प्रतिवर संसेदे सम आनयति रात्रौ रात्रि में सुवीरता स्वेगरे अपने घर में बंधु भी भाइयों के साथ बंधु भी से भाइयों के साथ चाय को पीवन पीकर पीते हुए अकथित कहते हैं रात्रि में सुवीरता अपने घर में सभी भाइयों के साथ चाय पीते हुए कहते हैं होलिका माम हे होलिका माम माने मुझको प्रतिवर्ष मान प्रतिवर्ष स्वदेश मान्यति मैं स्वदेश में आता रहूं यानी वो कहते हैं कि मैं प्रति वर्ष अपने देश को आता रहूं। होलिका नाम से सर्वे वै भाव जनता सर्वावे मैत्री भावना से शांतिया से परस्पर मिलते होलिका दिन से होलिका के दिन सर्वे सभी वैर भाव कहते शत्रुता के भाव को दुश्मनी के भाव को त्यक्ता छोड़ करके मैत्री मित्रता से भावना से शांत्या शांति पूर्वक परस्परम आपस में मिलती मिलते होलिका के दिन सभी एक दूसरे की शत्रुता को दुश्मनी को मिला मिटा करके त्याग करके सद्भावना से मित्रता को सद्भाव से मित्रता की भावना से और शांति से आपस में मिलते ऐसा भावना मानुत्र आगंतुक सर्वदा प्रेरति यही भावना अत्र भावना ऐसा भावना यही भावना माम माने मुझको अत्र माने यहाँ आगंतो आने के लिए सर्वदा सभी प्रकार से प्रेरित करती है। हाँ जी यही भावना मुझको यहाँ आने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अनंतर सुवीर दत्ते अमेरिकाते आनीते वस्तु भी आत्मीय जननाम सत्कारम कृतवान। अनंतर इसके बाद सुवीर दत्त ने अमेरिका से आनीते लेकर आए थे वस्तुओं को आत्मीय अपने जनाना लोगों का सत्कार आदर कृतवान मैंने किया। अंत में इसके बाद सुवीर दत्त ने अमेरिका से लेकर आए वस्तुओं से अपने आत्मीय जन मैंने अपने लोगों का आदर सत्कार किया। धन्य भारतीय होली भारतीय होली धन्य श्रेष्ठ है धन्य च सुख उत्साह युक्त परिवार है और श्रेष्ठ है वह सुख और उत्साह से युक्त ऐसा परिवार ऐसा सुख और उत्साह से युक्त ऐसा परिवार भी श्रेष्ठ है। प्रातः यावत अस्माकं ज्ञानं सम्यक् अवगत प्रातः माने सुबह यावत माने जब तक अस्माकं माने हमारा ज्ञान माने साधन सम्यक् माने ठीक अवगत माने हुआ प्रातः जब हमारा दुखार थी वो सही हुई वयं तथा श्रुत नेत्र के स्वयं ग्रह आवत बंदा हम
सब भय मारे हम सब तदेव मनुष्य के बाद अश्रुपूरित नेत्र पे नेत्रों से इस वगैरह अपने गतियों प्रति माने को आगत होते माने आ गए हम सब इसके बाद अश्रुपूरित यानी आंखों में अश्रु के साथ अपने घर की ओर आ गई। कथतम से कहा गया है मणिना बदे बलियन मणि मणिना बलियन विवादी करे कभी ना चे वे वो विभुना चे कभी कभी ना विभुना न चे बाती के बाती सभा। देखो सब ध्यान से को जो श्लोक में बताया गया है कि मणि बलया बलेन मणि मणिना बलियन विवादी करे मणि याने मणि याने नगों से विभिन्न धीरे चवारा को से बनी मां हीरा हीरा मणि बले होता है कंगन सा होता है कंगन बोल मणि से बना हुआ कंगन बलेन मणि बलेन मणि मणि ना बलेन विभाजित करे यानी जिस प्रकार हाथ उस कंगन के कंगन से शोभा देता है देता नहीं देता है यानी मणि से बने हुए कंगन से हाथ सुशोभित होता है कभी ना चले वो ना चले कभी ना चले वो ना चले वाले सवा और कभी अपनी सुंदर श्रेष्ठ वाणी से ही अपनी सभा को सुसज्जित करता है। कभी सुंदर होते ना कभी अपने व्याख्यान देते कभी तो कभी स्वास्थ्य सभा सुशोभित होती नहीं होती है यदि कभी वे कभी अपने कभी सम्मेलन होते हैं जैसे आश्रय का कभी मसले लोग मसले जाने करना पड़ता है श्रृंगार रस होता है उसमें प्रेम आसक्ति के भाव को वर्णन करते हैं वीर रस में वीर रस के भाव को सुनाया जाता है भारतीय सेना के महत्ता को सुनाया जाता है कोच और में कोच के साथ सुनाया जाता है ऐसे होते वो कभी सम्मेलन तो कभी ना बेको यानी कभी होते हैं कभी अपनी वाणी से उस सभा को सुशोभित करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है सेवंथ क्लास यानी मणि कंगन से शोभा देती है और कंगन मणि से शोभा देता है यानी ध्यान से सुने मणि कंगन से शोभा देती है और कंगन मणि की शोभा बढ़ाता है ठीक है और ये दोनों हाथ की शोभा को बढ़ाते हैं इन बातें उसी प्रकार कभी है कभी चाहे विभू विभू ना चाहे कभी जो कभी अपनी वाणी से अपनी श्रेष्ठता को समझाता है और श्रेष्ठता उस कवि को सुशोभित करती है और वह श्रेष्ठता कवि इस सभा को भी सुशोभित करते हैं। तो देखे होलिका होलिका मास होलिका सब पता होती फाल्गुन मास से फाल्गुन महीने माता नहीं आता है फाल्गुन मास से पूर्णिमा तिथि बात समझ में आ रही नहीं आई सेवंथ क्लास क्लास सेवन बात समझ में आ रही नहीं आई कनक दाकर क्वेश्चन आंसर अब कहां तक हो गए संस्कृत में आपके एक सेकेंड कनक है नंदनी है अंजलि है अब कुछ है बादल है नैतिक नैतिक यस सर नैतिक कोई समस्या yes, नहीं आ रही है समस्या नहीं आ रही तो आपके सब टेन है गे क्यों भाई चैप्टर 10 कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको भेज देता हूं 10 की भेज रहे हो 6 7 6 8 9 8 एक सेकंड जो भेजने में देखता हूं एक सेकंड देखो 6 के भेजने आपको तो सर
एट नाइन टेन चलो सिक्स के थोड़ा सिक्स के लिए ये पेज छोड़ देना और मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ ठीक है भाई सर ओके सर हाँ जी हाँ सर सर मेरा तो एक भी नहीं हो रहा सर मेरा तो एक भी नहीं हो रहा नहीं हो रहा तेरे लिए हिंदी का तो चल ही रहा होगा संस्कृत का मैं आज सभी को भेज दूंगा आज निकल पाता ठीक है सर वन से भेज देना वन से हाँ भेज दूंगा और जिनके जिन्होंने कर रखे हैं उनके लिए मैं अभी भेज ही रहा हूँ ठीक है जिन नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन जैसे सिक्स है सेवंथ है नाइन टेंथ है इनको भी अभी भेज रहा हूँ ठीक बाकी कोई दिक्कत है नहीं बाकी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अलग से फर्स्ट से लेकर के पॉइंट टेन तक चैप्टर में कंप्लीटली भेज दूंगा ठीक है सर और कोई समस्या हो तो आप बताएं नो सर यानी सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना कि 13 अगस्त तक सभी का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए कंप्लीटली सुन लेना 13 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए क्यों बच्चे 14 अगस्त को हम आपकी कॉपियों को स्कूल में पेरेंट्स के द्वारा मंगवाएंगे सुन रहे हो हाँ जी हाँ इसलिए आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए सभी का विद इंडेक्स होना चाहिए ओके सर अब मैं क्लास दे रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ